नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली पब्लिक के बीच में जाके सर्वे कर रहे हैं कि पब्लिक का क्या कहना है, खासकर उन लेडीज का क्या कहना है जो आश्रम में दिन रात रुकती हैं। कैसा माहौल है आश्रम का, कैसा नेचर है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा का? नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलजीत कौर। मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? कितनी बार गए हो आश्रम में? बस महीने जो दो तीन चक्कर लग जाते। रात को भी रुके हो? रात को आठ आठ दिन सेवा करते हैं। तो क्या कहना है आपको, मतलब माहौल कैसा है, लड़कियों को लेकर माहौल कैसा आश्रम में? मेरी खुद की बेटी ने एमसीए की है, यहाँ से हॉस्टल में रह कर की है। बहुत अच्छा सेफ सारी जगह से, उतना नहीं जितना जहाँ से मिलता। हॉस्टल में माहौल, हॉस्टल के लिए आपने बताया, हॉस्टल में माहौल कैसा है? बहुत अच्छा। तभी आपकी बेटी ने बताया हो अलग तरीके का? हाँ जी ना, बहुत बहुत अच्छा, सारे पशु से कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन मैम, टीवी में मीडिया में जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों या गुरुजी के बारे में या आश्रम के बारे में बहुत ही अलग दिखाया गया था, कह सकते हैं बेटियों की जिद को तार तार किया गया था, क्या कहना है? वो जो किसी ने अंदर बढ़ के देखा ही नहीं उसे क्या पता। वैसे तो दुनिया कुछ भी कही जाती, ठीक है, हमने तो खुद अंदर जाके हॉस्टल में जाके देखा। बच्चों को जो तो मिलने जाते हैं, जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं सब का, फिर असलियत क्या है? असली में गुरुजी का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा स्वभाव है, उतना प्यार हमें घर से नहीं मिलता जितना गुरुजी हमें देते। जहाँ आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। खुद के मेरे माँ बाप बहन भाई अमेरिका में रहते हैं, मुझे उनकी किसी की याद ही नहीं आती। आप भी मेरे हस्बैंड है नहीं, उन्होंने भी डेथ हो गई सी, शहीद हो गए सी, पता ही नहीं चलता भी मैं कहाँ रहती हूँ। मेरे बहन भाई माँ बाप सब कुछ। गुरुजी का चरित्र, गुरुजी का करैक्टर कैसा है? पिछले 30-35 साल से हमने एक बार भी नहीं देखा या किसी से सुना। किस धर्म को मानते हैं गुरुजी? सभी धर्म को। आपको क्या शिक्षा देते हैं, क्या सिखाया है? यही यही सिखाया कि सबका भला करो, किसी गरीब की मदद करो, भूखे को खाना दो, किसी बीमार की मदद करो। ब्लड दान सी खुद 3-3 महीने में खुद किया, कम से कम 30-35 बार तो ब्लड दान कर ही चुके हूँ। मेरा ओ नेगेटिव ब्लड है, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है। फिर जो इतना मतलब समाज के लिए उनका क्या रोल है, मैं असलियत में क्या रोल है समाज के लिए गुरु जी का, समाज के लिए क्या क्या है उन्होंने? समाज के लिए उन्होंने बस यही बात है, साहब जो भी काम करते हैं जिसे नशा चढ़ाना, ठीक है ना, गरीबों की मदद करना, सभी को सिखाते हैं। जितने भी उनके सत्संगी बहन भाई या सबको अपने बच्चों के समान समझते हैं। किसी के बारे में कोई किसी से ही आप पूछ सकते हैं कि गुरु जी उनके लिए माँ बाप से बढ़कर। हमारे देश के लिए क्या किया है गुरु जी? हमारे देश के लिए बड़ा कुछ किया है। जहाँ भी कोई भयानक भूचाल आते हैं, कहीं आग लग जाती है, जैसे उड़ीसा में, इंडोनेशिया में, निकोबार, उधर इस तरह करके जो सासा शहर ही ले लो, जहाँ बलाडा आया था, एक बार पानी आया था बहुत भर गया था, जैसे ही गुरुजी गए वहाँ ते जरूरत है, बहुत जरूरत है, जितनी उनकी जरूरत है असी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो वो होएंगे तो ही सारे पंजाब का माहौल अच्छा। क्यों जरूरत है, मतलब 3-4 सालों में ऐसा क्या बदलाव आया है जो आज आपको लगता है उनकी जरूरत है? बदलाव तो बहुत ज़्यादा आए, एक तो नशे का जोड़ा दौर है वो भी, बाकी छोटी उम्र की लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा दुर्जन, वो तब नहीं हो रहा था जब जो अब होता। क्या मांग करोगे सरकार से अब? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे MSG गुरुजी को बाहर निकालें और ये संसार का बड़ा करना। आपको क्या लगता है सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि पूरे समाज को?
संत जी तो उनको तो नहीं सजा, पूरे समाज को मिलती है। वो तो जो करने आते हैं दुनिया के भले वास्ते करने आते, अब भी जो वहाँ बैठे हैं उसके उसमें भी भलाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लोगों का मानना है कि जो ये सजा है पूरे समाज को मिल रही है, जब से गुरुजी नहीं है समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, क्या कहना है आपका इन लोगों के लिए, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।